अच्छा था इसलिए मैंने माइल लाइफस्टाइल शुरू किया। सर मैंने इसलिए माइल लाइफस्टाइल किया कि वो डिस्ट्रीब्यूटर मेरे घर में इतनी बार आया कि मैं उसको मना नहीं कर पाया। कुछ लोग बोले ये सेमिनार में आए होंगे नए लोग मोटिवेट हो जाते हैं इसलिए बिजनेस शुरू करते हैं। लीडर की लाइफस्टाइल मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू जगुआर वो एकदम जबरदस्त बड़े बड़े घर दिखाता है स्टेज से थोड़ी देर बात करता है उनको लगता है कितना आसान है माई लाइफस्टाइल। इसलिए लोग इसमें कुछ लोग प्रोग्राम से इंस्पायर होते हैं बड़े बड़े सेमिनार से कुछ लोग हम लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं इसलिए लोग माई लाइफस्टाइल करते हैं। कुछ लोग खाली के लिए बैठे बोलते कुछ काम नहीं इसलिए माई लाइफस्टाइल करते हैं। कुछ लोग ट्राई करके देखते हैं कुछ लोग बोलते हैं करने से कोई नुकसान नहीं है इसलिए माई लाइफस्टाइल करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं फंस गया ना तो मैं माई लाइफस्टाइल कर लेता। तो आप रीजन ढूंढो कि आपका रीजन क्या इनमें से एक है या वाकई में आपको लगता है कि मैं मेरे परिवार के लिए। आप आज जाके घर में जाके तीन सवाल पूछना दोस्तों। कितने सवाल? सभी लोगों को कितने सवाल? पहला सवाल, अगर ये बिजनेस बुरा है जहां पर हमको कोई पैसा नहीं लगाना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगाना कोई दुकान नहीं डालना तो अच्छा बिजनेस कौन सा है जहां पर लाखों करोड़ों में लगाना पड़े। जब आज रात को जाके घर में बैठोगे और आपका परिवार एकदम निश्चिंत सोया हुआ है तो उनके तरफ देख के रात के 2 बजे उठ के देखिए इतना निश्चिंत क्यों सोया हुआ है। क्योंकि काम करने वाले हम लोग जिंदा है सब लोग सोच के देखो अगर हमें कुछ हो जाए फिर हम क्या करेंगे या क्या वो आपका परिवार उतना ही चैन से सोएगा क्या हमने इतना कुछ करके गए कि वो चैन से सो सके। अगर ये बिजनेस बुरा है तो अच्छा बिजनेस कौन सा है। अभी आपके सपने आप पूरा नहीं करोगे तो कौन करेगा। बच्चा आपका है उसको अच्छा पढ़ाना है ये आपका सपना है आपने भी पूरा करना पड़ेगा कि नहीं। आपको मर्सिडीज लेना है बीएमडब्ल्यू लेना है कोई भी कार लेना है। मैंने जब जगुआर लिया तो जब मैं गया बोला सर मेरे को जगुआर लेना है उसने मेरे को देखा ऊपर से नीचे मैं बोला क्यों ऐसा देखा बोल सर बोले जितने भी जगुआर लेने गए सबके बाल पके थे। इसका क्या मतलब? बोले सर लोग बड़ा बिजनेस सेटअप करते हैं बहुत जिंदगी भर मेहनत करते हैं और जब बूढ़े हो जाते हैं तब जाके एकदम बड़ी कार लेते हैं। तो मेरे मन में ये सवाल आया कि लोग ये टाइप की क्यों कार लेते हैं जहां पर ड्राइवर आपको पकड़ पकड़ के बिठा रहे साहब बैठो सब हाथ पाओ बीमार होने के बाद गाड़ी लेना चाहिए कि जब अपन यंग है अपने हाथ से हम ड्राइव कर सके 30 साल 40 साल की हमारी उम्र है तब जगुआर चलाने में मजा कब मजा आया अरे कब मजा है 40। तो मेरे सपने मैं पूरे अब नहीं करूंगा तो कब करूंगा इस और ना। तो दोस्तों बहुत सारे लोग ये बिजनेस में कैसे आते हैं पीछे वाले कैसे आए हैं अभी मैं भी जबरदस्ती से आया था एकदम पकड़ पकड़ के लोग लाते हैं इधर भी आपको बुलाया होगा देख तू नहीं आया ना तो तेरी मेरी दोस्ती। अच्छा ऐसे वाले कितने लोग हैं इधर ईमानदारी से हाथ ऊपर को रेखा थे बहुत सारे लोग ऐसे। तो प्रोग्राम में अगर जबरदस्ती से आते हैं तो वैसे बिजनेस में भी कैसे आते हैं अरे कैसे आते हैं जबरदस्ती से आते हैं और जब जबरदस्ती से आते हैं तो हमारा पूरा लाइफ ये 3K के पीछे किराया किराना हम एक 2-व्हीलर भी लेते हैं काय पे लेते हैं अरे सभी लोग काय पे लेते हैं मोबाइल भी लेते हैं तो टीवी भी लेते हैं तो बीवी भी लाते हैं तो क्यों भाई हमारे इधर पटेल साहब शादी के लिए भी लोन उठाते हैं फिर उसका क्या भरते हैं अच्छा अरे क्या भरते हैं तो बीवी काय के लिए किस पर लाए हमने तो इसने हंसने क्या बात है अरे ये सर नो तो ऐसा क्यों हो रहा है आमदनी 18 खर्चा रुपया ये कारण से हर चीज हम काय पे लेते हैं किस्त पे लेते हैं काय पे लेते हैं किस्त पे लेते हैं। तो दोस्तों कर्जा भी बढ़ रहा है अभी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ये वाकई में आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाता है मैं थोड़ा सा 10 मिनट में आपको बताना चाहूंगा और इसमें इतना पैसा कहां से आता है। बहुत सारे लोग ये सब कुछ पूछते हैं सब कुछ और बाहर में मुझे एक आदमी मिलता है सर ये सब तो ठीक है लेकिन ये इतना करोड़ों रुपया कंपनी देती कहां से। अभी हमारा डिस्ट्रीब्यूटर हर मीटिंग में बताता है ये चैप्टर लेकिन ये 5 मिनट का चैप्टर उसके खोपड़ी में नहीं जाता और बाहर
इतनी चकवार लेने लायक पैसा सच में आता है। पिछली बार ड्रीम डेमो में गया था सर, मैं भी मेरे गांव का रईस आदमी हूँ, सच में आपने अपने पैसे से लिया है क्या? ये जितने भी लोग, एक सच बात बता रहा हूं मैं, ये जितने भी अभी गाड़ियां चल रही है ये सब अपने पैसे से लिया है ना, घर के अमीर हो ना आप लोग, लोगों को विश्वास ही नहीं होता है। तो कोई भी प्रोडक्ट ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि 30 रुपए में बनने वाली चीज हमारे तक पहुंचते पहुंचते कितने रुपए की हो जाती है, 100 रुपए की हो जाती है। और इसमें सबसे ज्यादा पैसा एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी वाले लेते, धंधा मतलब सास भी कभी, मतलब आप लोग भी देखते थे। तो हमारे महाराष्ट्र ने क्या किया, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर्स ले, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहा। ये जो 70% पैसा है ये महाराष्ट्र हमारे और आपके बीच में बांटता है। इतनी बात समझ में आई? और डिटेल में इसके बारे में जानना है तो जीपीएस में खुले माइंड से आप बैठ जाना, ये पूरा समझ में आएगा। तो मुझे आपको एक चीज बताना है,